नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वेरुलत गांव के पास स्थापित इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कुछ लोग घृष्णेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी यानी 12वें जगह पर इनकी पूजा की जाती है। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। बोला जाता है कि यह शिवलिंग घृष्मा की भक्ति का एक रूप है, जो शिव की प्रबल भक्त थी। उन्हीं के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा। ज्योतिर्लिंग घृष्णेश में एक तालाब भी है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस झील के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोला जाता है कि यहाँ घृष्णेश की पूजा के बाद रोजाना 101 शिवलिंग प्रवाहित होते थे और उन्हें यहीं से एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। इसलिए यहाँ के दर्शन मात्र से ही निःसंतान दंपतियों की शीघ्र संतान प्राप्ति की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके 3 द्वार है और गर्भगृह के सामने एक विशाल मंडप है, जिसे सभा मंडप बोला जाता है। हर वर्ष राष्ट्र भर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ईश्वर शिव का अति प्राचीन और विश्व मशहूर मंदिर है, इसलिए यहाँ सावन के महीने में भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में इस मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन मराठा शासन के एक बार फिर से यहाँ स्थापित होने के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और 18वीं शताब्दी में देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल के दौरान मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर के गर्भगृह का आकार 17 फीट बाई 17 फीट है, जो खुला है और अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिरों के गर्भगृह से बड़ा है। ईश्वर विष्णु के दशावतार के अलावा कई अन्य देवताओं को लाल पत्थर पर उकेरा गया है, जो इसके लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। इस मंदिर की ऊंचाई देवी देवताओं की मूर्तियों से उकेरी गई।